नमस्कार दोस्तों, बुरी तरह से फंस चुकी थी आरसीबी की टीम। दूसरे ओवर में गिर चुका था अपने पहले ओपनर का विकेट, लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली ने खेली आरसीबी के लिए मैच विनिंग पारी। आरसीबी को पहुंचा डाला एक बड़े स्कोर तक, लेकिन उसके बाद केकेआर के ओपनर बल्लेबाजों का आया तूफान और बना डाला आईपीएल 2024 के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन। और फिर उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों की ओर से दिखा वापसी और इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर मैच को जीता। तो क्या है दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी है विराट कोहली के बड़े वाले फैन, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आईपीएल 2024 से मैच के वीडियो हाईलाइट मिलती रहे। आज आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला आरसीबी और कोलकाता के बीच खेला गया, जहां कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों, फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। बता दें कि आरसीबी की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रहता है दोस्तों, खतरनाक दिख रहे फैफ डुप्लेसिस दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर हर्षित राणा के बॉल पर मिचेल स्टार्क को अपना कैच दे बैठते हैं। वहीं दोस्तों, फैफ डुप्लेसिस ने 6 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाते हैं, जिनमें एक छक्का भी शामिल रहता है। और अब दोस्तों, विराट कोहली अकेले ही मैदान पर खड़े रहते हैं और अपने बल्ले से ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के चौके की बरसात करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों, फैफ डुप्लेसिस के आउट होने के बाद अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर खतरनाक दिख रहे कैमरन ग्रीन आते हैं। उसके बाद दोस्तों, आरसीबी की ओर से दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान आता है। तीसरे ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने दूसरे गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और दोस्तों, लगातार तीसरे गेंद पर एक शानदार चौका भी लगा देते हैं। वहीं दोस्तों, नए आए कैमरन ग्रीन भी पिच को पूरी तरह से भांप लेते हैं और रनों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर दोस्तों, आरसीबी की टीम का जो पहला जल्दी विकेट गिरने के बावजूद आरसीबी की टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। और देखते ही देखते दोस्तों, वहीं पर दोस्तों, आरसीबी टीम का पहला झटका जल्दी लगने के बावजूद आरसीबी टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं दोस्तों, 9वें ओवर लेकर आए एंडरसन ने कैमरन ग्रीन को बोल्ड आउट कर देते हैं और आरसीबी टीम को 82 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, कैमरन ग्रीन और विराट कोहली के बीच शानदार 42 गेंदों में 65 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। कैमरन ग्रीन के आउट होने के बाद अब विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और आते ही मन अपनी मनसा को साफ करते हुए केकेआर के गेंदबाजों के खिलाफ पूरी तरह से धावा खोल देते हैं। वहीं दोस्तों, शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 11वें ओवर के तीसरे गेंद पर एक रन चुराते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वहीं 28 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे ग्लेन मैक्सवेल 15 ओवर लेकर आए सुनील नारायण को अपना विकेट दे देते हैं। एक तरफ आरसीबी का विकेट गिर रहे थे, वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ विराट कोहली जो है बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और अपने टीम के लिए रन बरसाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, विराट कोहली के बल्ले से खतरनाक चौके देखने को मिल रहे थे और दर्शक भी खूब विराट के शॉट पर झूम रहे थे और केकेआर की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल कर रखे थे। और अब दोस्तों, रजत पाटीदार जो है मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आते हैं और एक बार फिर दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, केकेआर की ओर से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलता है और अनुज रावत और रजत पाटीदार जल्द ही पवेलियन की ओर को चलता कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम फिनिशर के रूप में आए दिनेश कार्तिक 8 गेंद पर शानदार ताबड़तोड़ अंदाज में 20 रनों की पारी खेलते हैं और विराट कोहली के नाबाद 83 रनों की पारी से आरसीबी टीम का स्कोर पूरे 20 ओवर खेलते हुए 182 रन तक पहुंच जाता है। वहीं दोस्तों, कोलकाता को 183 रनों के लक्ष्य दे देते हैं। केकेआर की ओर से हर्षित राणा और एंडरसन ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए। 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की ओर से फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। आते ही मन दोनों ही बल्लेबाज कोलकाता के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से विस्फोटक शॉट निकल रहे थे। वहीं दोस्तों, आरसीबी की गेंदबाज पूरी तरह से तहस नहस दिखाई दे रही थी। कोलकाता की टीम तीसरे ओवर में ही 50 रन तक पहुंच जाती है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे और कोलकाता के ओपनर जोड़ी ने मिलकर 6 ओवर में के खेल समाप्त होने तक टीम के स्कोर को 86 रनों तक पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों, सॉल्ट अब तक 30 रन बना चुके थे, वहीं सुनील नारायण 47 रन पर खेल रहे थे। तभी दोस्तों, आरसीबी की गेंदबाजों से वापसी दिखती है और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण को 47 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और 86 रन के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लगता हुआ दिखाई देता है। वहीं दोस्तों, नारायण के आउट होने के बाद केवल 6 रन के स्कोर पर ही फिलिप सॉल्ट भी आउट हो जाते हैं।
और अब यहां से आरसीबी की टीम वापसी करते हुए दिखाई देते हैं और अब दो नए बल्लेबाज जो है वेंकटेश अय्यर सुरेश अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और वेंकटेश अय्यर जो है ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं तो कप्तान सुरेश अय्यर भी अपनी कप्तानी पारी से सूझबूझ अंदाज में खेल रहे थे और एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के हाथ से यह मैच धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों फिर एक बार विकेट गिरता है और वेंकटेश अय्यर को अपना शिकार बनाते हुए आरसीबी की टीम एक बार फिर गेम में आते हैं और इस तरह से कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीत जाती है और आरसीबी की टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों इस हार के बाद आरसीबी की टीम जो है पॉइंट टेबल में भी निचले स्थान पर चली जाती है और कोलकाता की टीम जो है चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती है। कोलकाता ने अब तक दो मैच खेले हैं और दो ही मुकाबलों में जीत के साथ चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में भी उछाल भरती हुई दिखाई देती है। वहीं दोस्तों आरसीबी ने अब तक कुल तीन मुकाबले खेले हैं और तीन मुकाबलों में से दो मुकाबलों में हार का सामना करते हुए पॉइंट टेबल में लगता है दोस्तों दसवें स्थान पर पहुँच जाएगी।